दोस्तों अंतिम समय का तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर हम लाए हैं आपके लिए काफ़ी मोस्ट VVI 48 ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का। तो आप लोग देख करके जाइएगा, तो फाइनली जो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को बना करके आइएगा। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का जो है यह कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा तुर्की। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। तो दो का सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, अप्रैल थीसिस कितने तैयार की थी। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा लेनिन ने। अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं, कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने में है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 1991 ईस्वी में। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो देखिए विष्णु की मंदिर है, तो ऑप्शन ए होगा। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है, कह रहा है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो ये आपको 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अब अगला ऑब्जेक्टिव हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है। तो देखिए हीराकुंड परियोजना जो है वह महानदी पर है, तो ऑप्शन ए, 9 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने में है, अमेरिका, जापान, अफगानिस्तान, ऑप्शन होगा आपका बी, चीन को। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 12 कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो रूसो, देखिए रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए आपको जल हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया, और आप लोग याद रख लीजिए जल के अलावा सूर्य हो गया और पवन ऊर्जा भी आपका नवीकरणीय संसाधन है, तो 13 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो देखिए जामनगर तेल शोधक कारखाना आपको ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 15 कह रहा है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र आपको महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये स्टॉकहोम में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन ए, 16 का सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 17 का सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा आपको डी, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो देखिए ये जो झारखंड है ये सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो 18 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 19 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, तो भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य आपको हो गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था, तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 1923 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1967 और 1968 को मानी जाती है, तो इनका सही ऑप्शन मेरे ख्याल से 1967 होना चाहिए, 21 का सही ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 22 कह रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है,
तो देखिए सूती उद्योग का जो कच्चा माल है वो होता है आपको कपास होता है, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, कड़ाई की रेशमी वस्त्र का उत्पादन का प्रमुख केंद्र है लखनऊ पटना, और दो ऑप्शन आपको नीचे में है और कानपुर भागलपुर, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा भागलपुर। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 24, कड़ाई की उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो उर्वरक कारखाना आपको बरौनी में अवस्थित है, ऑप्शन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 25, कड़ाई की रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी, तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, मार्टिन लूथर किंग। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 26, कड़ाई के धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो जो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है उसे सांप्रदायिक कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, तो देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा वो होगा डी, 1990 ईस्वी में, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 28, कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो देखिए भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 29, कह रहा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 2 जून 2014। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत ये आपको उत्तराखंड से हुई है, ऑप्शन सी। अब अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो ये राष्ट्रीय दल है, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, और डी में है इनमें से सभी, तो ये ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अगला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर 35, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो देखिए अशिक्षा ये तो हो ही नहीं सकता है, सामाजिक असमानता ये भी नहीं होगा, पंचायती राज, 35 का सही ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ये आपको प्रधानमंत्री होते थे लेकिन अभी नीति आयोग कर दिया गया है, तो 36 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो ये शिवहर जिले की जो आय है सबसे कम है और सबसे ज़्यादा पटना जिले की है। ऑब्जेक्टिव नंबर 39, कह रहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह किसने कहा था, तो इनका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है, ऑप्शन डी। ऑब्जेक्टिव नंबर 41, कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो देखिए भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ आपको इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा 1904। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो दो का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 19। अगला ऑब्जेक्टिव, कह रहा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये मानव की न्यूनतम आवश्यकता है, ऑप्शन ए 43 का। ऑब्जेक्टिव नंबर 44, कह रहा है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, तो देखिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा और वायुयान सेवा। तो इनका सही ऑप्शन देखिए स्वास्थ्य सेवा तो नहीं होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में लोग प्राइवेट अपना भी
मेडिकल खोलते हैं, उसके बाद शिक्षा सेवा में प्राइवेट संस्थान चलते हैं, आपको वायुयान सेवा भी सभी प्राइवेट कंपनी चलाती है। इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, सैन्य सेवा, ये पूर्णतः सरकारी सेवा है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत में सूचना, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। इनका सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा 2005 ईस्वी। अगला ऑब्जेक्टिव है कह रहा है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। यह एक जापानी शब्द है, जापानी भाषा से लिया गया है। 46 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा सुनामी। ऑब्जेक्टिव नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए ये भूकंप जो है आपको प्राकृतिक आपदा है, रेस्ट जो है आपको ये सभी ये मानव जनित आपदा है, तो ये भूकंप आपको प्राकृतिक आपदा हो गया, ऑप्शन बी। अब अंतिम ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा इंफ्रारेड कैमरा। तो इस प्रकार से आपने सभी 48 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सही आंसर की जाना। उसके बाद चलिए सब्जेक्टिव में हम वीवीआई देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, खूनी रविवार क्या है, गांधी ने नमक कानून क्यों तोड़ा। उसके बाद औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की योगदान की विवेचना करें। अब हम बात कर लेते पॉलिटिकल साइंस में, इनका देख लीजिए बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, इनको देख लीजिए। जिला परिषद के किन्हीं दो कार्यों को लिखे, इनको देख लीजिए। उसके बाद दल बदल कानून क्या है, इनको देख लीजिए। लोकतंत्र से आप किस क्या समझते हैं, उसका वंशवाद से आप क्या समझते हैं, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका का विवेचना करें। तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।